दोस्तों, कौन ऐसी चीजें हैं जिसे खाकर मस्जिद में जाना मना है? दोस्तों, मस्जिद में कच्चा लहसुन प्याज खाना या खाकर जाना जायज नहीं है जब तक कि बू बाकी हो, क्योंकि फरिश्तों को इस चीज से तकलीफ होती है। दोस्तों, हमारे हुजूर ने इरशाद फरमाया है, जो उस बदबूदार दरख्त से खाए वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए, इसलिए कि मलाइका को उस चीज से तकलीफ होती है जिससे आदमी को तकलीफ होती है। दोस्तों, ख्याल रहे, यही हुक्म हर उस चीज का है जिसमें बदबू हो, जैसे मूली, मिट्टी का तेल, ओहदिया सलाई जिसके रगड़ने में बू आती हो, हवा खारिज करना, या जिसको गंदा जहनी की बीमारी हो, या कोई बदबूदार जख्म हो, या कोई दवा बदबूदार लगाई हो, तो जब तक ये चीजें खत्म ना हो जाए, यानी इसकी बू खत्म ना हो जाए, उस वक्त तक मस्जिद में जाना मना है।